31 अगस्त 2020 की रात भारत के खुफिया विभाग रॉ के पास एक सूचना आई। ये सूचना जुड़ी थी एक हमले से। बताया गया कि चीनी सेना के 300 जवान बख्तरबंद गाड़ियों में भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। उनकी मंशा एक अहम स्ट्रेटेजिक हिस्से पर कब्जा करने की है। समय बहुत कम था और थी चीनी खेमे को न्यूट्रलाइज करने की एक बड़ी चुनौती। शायद भारतीय सेना इसके लिए पूरी तरह तैयार भी नहीं थी, पर सुबह जब लोगों की आंखें खुली और मीडिया हाउसेज में खबरें चली तो पता चला इस रात भारत ने चीनी खेमे को बुरी तरह खदेड़ दिया है। क्या हुआ था उस रात, और उससे भी ज़्यादा अहम ये है कि आखिर ये सब किसने किया, यही सब जानेंगे हम इस वीडियो में। क्योंकि हम आपको बता दें कि ये मिशन भारतीय सेना ने नहीं किया था, ये कारनामा किया उन लोगों ने जिन्हें कोई 70 साल पहले उनके देश से निकल जाने पर मजबूर कर दिया गया था। ये काम किया उन लोगों ने जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ चीन को नेस्तनाबूद कर अपने गौरव और अपनी मातृभूमि को प्राप्त करना है। ये काम किया उन लोगों ने जो माउंटेन वॉरफेयर में दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाके हैं। उनका नाम है SFF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिन्हें 22 या विकास रेजिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। 22 रेजिमेंट भारतीय सैन्य ताकत का वह हिस्सा है जिसके बारे में बहुत कम जानकारियां ही सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है। यह रेजिमेंट आज भी बेहद गोपनीय तरीके से काम करती है और इसके होने का कोई प्रूफ भी पब्लिक नहीं किया गया है। SFF को कॉवर्ट ऑपरेशंस, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में महारत हासिल है। साथ ही पहाड़ी वॉरफेयर में ये दुनिया के सबसे बेहतरीन सिपाही हैं। इस रेजिमेंट के सभी जवानों की जानकारी पूरी तरह गुप्त रखी जाती है और इसके लगभग सभी जवान तिब्बतीय मूल के होते हैं। यह रेजिमेंट भारतीय सेना की बजाय भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हिस्सा है, जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश लेती है। शुरुआती दौर में जहां 22 रेजिमेंट में सिर्फ और सिर्फ तिब्बती मूल के जवानों को भर्ती किया जाता था, वहीं अब गोरखा नौजवानों को भी 22 का हिस्सा बनाया जाता है। इस रेजिमेंट की रिक्रूटमेंट भी पब्लिक नहीं की जाती। इस 22 रेजिमेंट में आज कितने जवान हैं, कितने अफसर हैं, इनकी बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग कैसे होती है और ये काम कैसे करते हैं, यह आज भी एक रहस्य ही है। 22 रेजिमेंट का उद्देश्य आज भी वही है जो इसकी स्थापना के वक्त था। चीन से युद्ध की स्थिति में भारतीय सैन्य ताकत का सबसे मजबूत हथियार साबित होना। इसकी स्थापना का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। 1962 के चाइना वॉर में पंडित नेहरू की गलतियों के चलते हार मिली, पर इस युद्ध के दौरान तत्कालीन IB चीफ भोलानाथ मलिक के सुझाव पर PM नेहरू ने ही 22 रेजिमेंट बनाने का फैसला लिया। इस रेजिमेंट को बनाने का मकसद ऐसे लड़ाकों को तैयार करना था जो चीन की सीमा में घुसकर लद्दाख की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी लड़ सकें। इस काम के लिए तिब्बत से शरणार्थी बनकर आए युवाओं से बेहतर और कौन हो सकता था। ये तिब्बती नौजवान उस क्षेत्र की आबो हवा से परिचित थे, या यूं कहें कि उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। जिस चढ़ाई पर लोगों का पैदल चलते हुए दम फूलने लगता है, ये लोग वहीं दौड़ते हुए खेलते हुए बड़े हुए थे। इसलिए इन तिब्बती नौजवानों को भर्ती कर ये फौज तैयार की गई। भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल सुजान सिंह को इस रेजिमेंट का पहला IG नियुक्त किया गया। सुजान सिंह दूसरे विश्व युद्ध में 22वीं माउंटेन रेजिमेंट की कमान संभाल चुके थे, इसलिए नई बनी रेजिमेंट को एस्टेब्लिशमेंट 22 या 22 रेजिमेंट भी कहा जाने लगा। 22 रेजिमेंट को शुरुआती दौर में ट्रेन करने का काम अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने किया। इस रेजिमेंट के जवानों को अमेरिकी आर्मी की विशेष टुकड़ी यानी ग्रीन बेरेट की तर्ज पर ट्रेनिंग दी गई। इतना ही नहीं, 22 रेजिमेंट को M1, M2 और M3 जैसे हथियार भी अमेरिका की तरफ से मुहैया कराई गई। 22 रेजिमेंट के जवानों को विशेष तौर से गुरिल्ला युद्ध में ट्रेन किया जाता था। इन्हें रॉक क्लाइंबिंग और पैरा जंपिंग की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी और बेहद कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने के गुर सिखाए जाते थे। 1971 के बांग्लादेश युद्ध में भी 22 रेजिमेंट ने अपने अदम्य साहस का प्रमाण दिया, जहाँ इसके जवानों को एक स्पेशल ऑपरेशन यानी ऑपरेशन ईगल में शामिल किया गया था। इस ऑपरेशन को अंजाम देने में 22 रेजिमेंट के 46 जवानों को शहादत भी देनी पड़ी थी। इसके अलावा 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन मेघदूत और 99 में करगिल युद्ध के दौरान हुए ऑपरेशन विजय में भी 22 रेजिमेंट ने अहम भूमिका निभाई। पर इतनी उपलब्धियों के बाद भी भारत सरकार ना तो कभी इसके जवानों को दुनिया के सामने सम्मानित करती है और ना ही इनकी उपलब्धियों को प्रचारित करती।
इस रेजिमेंट के जवानों का सबसे बड़ा दर्द ये रहा है कि उन्हें अपनी कुर्बानियों के बदले कभी वो सार्वजनिक सम्मान नहीं मिल पाया जो देश के लिए शहीद होने वाले दूसरे जवानों को मिलता है। इसके पीछे वजह कि टूटू रेजिमेंट बेहद गोपनीय तरीके से काम करती रही, इसकी गतिविधियों को कभी पब्लिक नहीं किया जाता। यही वजह है कि 71 में शहीद हुए टूटू रेजिमेंट के जवानों को न तो कोई मेडल मिला और ना ही कोई पहचान मिली। जिस तरह से रॉ के लिए काम करने वाले देश के कई जासूसों की कुर्बानियां अक्सर गुमनाम जाती हैं, वैसे ही टूटू के जवानों की शहादत को पहचान नहीं मिल पाती। बीते कुछ सालों में इतना फ़र्क ज़रूर आया है कि टूटू रेजिमेंट के जवानों को अब भारतीय सेना के जवानों जितना ही वेतन मिलने लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ साल पहले कहा था, ये जवान न तो भारतीय सेना का हिस्सा हैं और न ही भारतीय नागरिक, लेकिन इसके बावजूद भी ये भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए हमारे जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस 29 और 30 अगस्त की रात भी चीन से झड़प में इस रेजिमेंट का एक जवान तेंजिन शहीद हुआ और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी SFF जवान की शहादत की खबर मीडिया चैनलों से गायब ही थी, पर काश वो जवान उठ खड़ा हो और पबजी टिकटॉक बैन होने के सदमे में पहुंचे युवाओं से कह पाए, मैं तुम मानसिक गुलामों की लड़ाई लड़ रहा हूँ इस उम्मीद में कि कभी मेरा देश भी आज़ाद होगा।